वेलकम स्टूडेंट्स, फजी लॉजिक्स की एक और कड़ी लेके आया हूं मैं, जिसका नाम है लैम्डा कट सेट। लैम्डा कट सेट बेसिकली कुछ नहीं होता, लैम्डा एक वैल्यू होती है जिस वैल्यू को डिफाइन कर दिया जाता है, जो कि 0 से 1 के बीच की होती है। और किसी भी सेट के ऊपर लैम्डा कट सेट अगर लगाया जाता है तो उस एलिमेंट्स के अंदर, उसके अंदर कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं वो गायब हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। मसलन के तौर पर यह कि मैं अगर बोलूं कि आपकी पूरी क्लास के अंदर से मेरे साथ वो बच्चे आए जिनके नंबर या CGPA 8 pointer से ऊपर है, तो जाहिर सी बात है पूरी क्लास उठ के नहीं आएगी। मैंने क्या करा, लैम्डा कट सेट लगा दिया, मतलब ये कि कोई एक पैरामीटर लगा दिया, या फिर मैंने ऐसा बोल दिया कि आप में से वो बच्चे आए जिनका जिनकी हाइट बहुत अच्छी है। मतलब मुझे जाहिर सी बात है कोई ऐसा काम होगा मुझे जिसके अंदर हाइट एक पैरामीटर होगा, तो मैंने लैम्डा की वैल्यू रख दी कि जो 6 feet टॉल होंगे वो बच्चे आए सिर्फ। तो जाहिर सी बात है 50 बच्चों की क्लास है, उसमें से 20 बच्चे ऐसे होंगे जिनकी 6 feet, या 15 बच्चे ऐसे होंगे जिनकी 6 feet टॉल, जो जिनकी हाइट होगी या उससे ऊपर होगी। तो कहने का मतलब ये है कि लैम्डा कट सेट को अप्लाई करने के लिए हम सीधे सीधे लफ्जों में समझें अगर, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एथ एल्डा के अंदर ले रहा हूँ मैं 0.5 अपॉन x1 प्लस 0.3 अपॉन x2 प्लस 0.6 अपॉन x3 प्लस 0.7 अपॉन x4 प्लस 0.8 अपॉन x5 प्लस 0.325 अपॉन x6, काफी लंबा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, प्लस 0.625 अपॉन x7 प्लस 0.9 अपॉन x8। 8 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, इस फजी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 8 एलिमेंट्स हैं। और अगर इसी क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला जाए कि लैम्डा, जो कि लैम्डा जो होता है वो क्या होता है, लैम्डा बिलोंग्स टू अ क्लोज इंटरवल ऑफ 0 एंड 1, मतलब 0 और 1 के बीच में कोई भी एक वैल्यू होती है। से हमने लैम्डा की वैल्यू जो है यहाँ पे क्या ले ली, लैम्डा ले लिया 0.6। अगर हम लैम्डा की वैल्यू 0.6 लेंगे ना, तो ये इस क्वेश्चन को ऐसे लिखा जाता है, ए लैम्डा, मतलब लैम्डा है एक कट सेट है, तो ए थेल्डा 0.6 ऐसा लिखा जाएगा, ए थेल्डा 0.6। तो इनमें से वो जिंदा बचेंगे, वो बचेंगे जिनकी वैल्यू या तो 0.6 होगी या 0.6 से अधिक होगी। जो 0.6 से कम वाले होंगे वो सारे के सारे रवाना हो जाएंगे और वो खत्म हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कुछ इस तरह से, x3 बचेगा, x4 भी बचेगा, बिल्कुल बचेगा, x5 भी बचेगा, बिल्कुल बचेगा, फिर x6 नहीं बचेगा, x7 बचेगा, तो 0.6 मैंने लिया ही इसलिए ज़्यादा था क्योंकि मुझे मालूम था कि वो आगे जाके सब वैनिश हो जाएंगे और ये भी बड़े ग्लोरियस नंबर्स के साथ बचेगा। तो ये तो हुआ कि आपने सिर्फ एक क्या करा, एक वैल्यू सेट करी, उस वैल्यू के अंदर आपने जो वो एलिमेंट्स को रखा जो उससे ऊपर थे या उसके बराबर थे। जैसे मैं ही हूँ कि मैं अपने छोटों से बात नहीं करता, मैं सिर्फ अपने बराबरी वालों से बात करता हूँ या अपने बड़े वालों से हंसी मजाक करता हूँ, बस ये मेरा लैम्डा कट सेट है। ठीक है, अब यहीं पे इसको अगर जनरलाइज टर्म में लिखें तो जनरलाइज टर्म में क्या हो जाएगा, जनरलाइज टर्म में इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो हो जाएगा ए थेल्डा लैम्डा इज कौन सी वैल्यू, एक्स, और कौन कौन सी वैल्यू जो कि आपके ओरिजिनल सेट के अंदर जो थी वो बड़ी थी या बराबर थी लैम्डा से। और आप देखें ना, मैंने ये तो करा है कि जो बड़ी थी या बराबर थी सिर्फ उन्हीं को रखा है, सिर्फ उन्हीं को रखा है। अब ये तो हुआ एक टास्क आपका छोटा सा, लेकिन अगर मान लीजिए कि मुझे इसी में बोला जाए स्ट्रॉन्ग लैम्डा कट सेट बनाने को, यही शब्द मैं जोड़ रहा हूं यहां पे, स्ट्रॉन्ग लव्स जोड़ देता हूं, अगर स्ट्रॉन्ग लैम्डा कट सेट अगर जोड़ा जाए और सेम क्वेश्चन हो, लैम्डा की वैल्यू भी 0.6 हो, तो यहां पे स्ट्रॉन्ग लैम्डा कट सेट क्या होगा। स्ट्रॉन्ग लैम्डा कट सेट क्या बोलता है, सिर्फ एक छोटी सी डेफिनेशन है कि ये जो कुछ भी लिखा है, ये जो कुछ भी लिखा है उसके अंदर से सिर्फ मैं ये एक लाइन हटा देता हूं। मैंने क्या किया, ग्रेटर देन और इक्वल टू का निशान जो था उसको सिर्फ अब ग्रेटर देन रहने दिया, विच मींस कि ये पूरा का पूरा सब कुछ सही लिखा है। फर्क इतना है कि अब 0.6 भी वाले भी जो हैं वो भी एलिमेंट नहीं आएंगे, 0.6 वाले एलिमेंट जो हैं उनकी भी अब जगह यहाँ पे नहीं बन पाएगी, 0.6 वाले एलिमेंट जो हैं उनकी जगह भी हमें गायब कर रहा हूँ। ये जो आंसर है ये लैम्डा कट सेट का है, स्ट्रॉन्ग लैम्डा कट सेट का है। आप देख सकते हैं मैंने उसको हाथ से वहीं मिटाना इसलिए मुनासिब समझा क्योंकि मैं दिखाना चाहता था आपको कंपैरिजन बिटवीन दीज टू ऑफ लैम्डा कट सेट एंड स्ट्रॉन्ग लैम्डा कट सेट। तो कहने का मतलब ये कि चाहे आप स्ट्रॉन्ग लैम्डा कट सेट कर रहे हो या लैम्डा कट सेट कर रहे हो, दोनों के अंदर इक्वेशन पूरी की पूरी वही, और फर्क क्या है मैंने फर्क अभी आपको मेंशन करा दिया।
तो ये है लैम्डा कट सेट। थैंक यू सो मच।